राजस्थान में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने उन पर एक्शन लिया और प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री पद वापस लिया है, लेकिन अभी तक ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट के अगले कदम पर नजरें हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि पायलट आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से उनकी राह आसान नहीं। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना के 1,35,00,000 के सामने आ चुके हैं और 5,83,000 लोगों की इससे जान जा चुकी है। अमेरिका और भारत में रोज कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बुधवार को अमेरिका में रिकॉर्ड 67,632 नए मामले सामने आए हैं, वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 नए केस मिले हैं। भारत में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 25,000 के करीब पहुँच चुकी है। मंगलवार को कन्हान नगर परिषद के सभागृह में जिलाधिकारी बैठक में शामिल पार्षद के पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में खलबली मची। उल्लेखनीय है कि नागपुर शहर के बाद अब ग्रामीण अंचल में कोविड-19 का संक्रमण तेजी पर पैर पसार रहा है। ऐसे में जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में शामिल शख्स के पॉजिटिव आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 10वीं की परीक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। नागपुर के भवंस बीपी विद्या मंदिर त्रिमूर्ति नगर शाखा के छात्र ओजस खेमेले ओजस्वी सफलता हासिल करते हुए 99.40 अंक हासिल कर संभवतः विदर्भ से परीक्षा में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों में अव्वल रहे हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने गणेशपेट थाना तहत गंजीपेट में कुख्यात संदीप पंजारी के मटका अड्डे पर छापा मार कार्रवाई की गई। 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अड्डे की क्लिपिंग वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। गणेशपेट थाना परिसर में यह दूसरी कार्रवाई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री गिरकर 30.7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। नागपुर में मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार की शाम तक 108.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शहर में मानसून के 1.5 महीने की अवधि में 510.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 9% अधिक है। मनपा सदन के आदेश पर प्रशासन का लिखित उत्तर नहीं मिलने पर महापौर संदीप जोशी ने बुधवार को मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे को पत्र लिखकर 3 दिन में जवाब मांगा है। नागपुर जिले में बुधवार को रोगियों की मौत हो गई है, जबकि 66 नमूने पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 40 हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,571 हो चुका है। 17 न्यायालय ने एलेक्सिस अस्पताल के खिलाफ साजिश रचने मामले में आरोपी साहिल सैयद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश BP शिरसागर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सोशल मीडिया पर फिर लॉकडाउन लगने के वायरल मैसेज होने के बाद मनपा ने अफवाह का करार दिया है। फिलहाल मनपा प्रशासन ने इस विषय में कोई भी अधिकृत निर्णय नहीं लिया है। हालांकि मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने की चेतावनी जरूर दी थी। इस चेतावनी के बाद लोगों ने मैसेज वायरल करने शुरू कर दिया, जिससे शहरवासियों में भ्रम की स्थिति बनी है।